घर पे जब कोई सब्जी ना हो और एक ही मूंग दाल खा खा कर बोर हो गए हो तो इस मूंग दाल की रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पिंकी, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी सूखा मूंग दाल। इसको आप रोटी या चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जीरा, सरसों, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा कूट कर लहसुन डाल दिया। अब मैं यहाँ पे चॉप किए गए प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा इनको भून लूँगी। जैसे ही ये भून जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए टमाटर। अब टमाटर को भी थोड़ा नमक डाल के भून दूँगी ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी टेस्ट के लिए। उसके बाद इन सारे मसालों को पका कर मैं इसमें डाल दूँगी मूंग दाल। मैंने यहाँ पे भिगोया नहीं था, बस धो के रखा था थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर से भिगो के नहीं रखना होता और ये बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, दाल की तरह भी खा सकते हैं। जब मेरे घर पर कोई सब्जी नहीं होता तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ और ये बहुत इजी रेसिपी है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करिए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, एकदम थोड़ा पानी डाल के गैस को धीमी करके धीमी आंच में इसे पकाऊँगी और थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी धनिया का पत्ता और ये बन के एकदम रेडी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।